तो सर एक बड़ी ना सीरियस नोट पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ सर। कई बार लोग पूछते हैं कि ठीक है, जैसे मैं भी बात करता हूँ अभी हमारे चैनल को भी, ठीक है सर हम एजुकेट हो गए, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है हमें समझ में आ गया, डायरेक्ट सेलिंग बदनाम क्यों हुई हमें ये भी समझ में आ गया, क्योंकि उस पर भी हमारी वीडियो है कि बदनाम के पीछे प्रैक्टिकल रीजन क्या है, कहते हैं बट हम क्यों करें। तो इसके ऊपर सर चार ही चीज बोलना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर सर इस समय मेनली चार प्रोफेशन के अंदर लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, राइट, फिर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, फिर आपका डिफेंस के लिए भी बड़ा एक क्रेज है, डिफेंस भी हमारा बहुत बड़ा वो है, डिफेंस फोर्सेस में सारी इंक्लूड कर लेता हूँ। सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन की वजह से पहले 10,000 लोग मिलकर 1,000 कार बनाते थे, राइट, आज 1,00,000 कारें बिक रही हैं, लेकिन क्या 1,000 कारें 10,000 लोग बना रहे थे तो क्या 1,00,000 कार 10,00,000 लोग बना रहे हैं? नहीं, 10,000 लोग 1,000 कार बना रहे थे, आज 1,000 लोग 1,00,000 कारें बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, देश बढ़ रहा है, कारें बिक रही हैं, कंट्री ग्रो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, होती जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो सर, 2019 अभी हम खत्म कर रहे हैं, इस साल में क्या हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ? सर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारी जीडीपी का 7% कंस्टिट्यूट करता है, हमारी पूरी जीडीपी का 7% ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, और उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है वो 2.5% हमारी जीडीपी का आता है वहां से। सर इस पूरे सेक्टर में 50,00,000 लोग काम करते थे इस पूरे सेक्टर में, जिसमें से 10,00,000 लोगों की जॉब 2019 में चली गई है। आप आर्टिकल पढ़ लो, वंडरफुल जा रही है जो, अमेजिंग क्यों, और हमारी आंखों के सामने जा रही है और हम लोग अभी भी नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि सर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आएगी इंसान को निकालेगी, क्योंकि सर एक चीज आप मान लो रोबोट हो, मैं एक इंसान हूं, आप सैलरी लोगे? रोबोट तो कहां सैलरी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप सैलरी नहीं लोगे, मैं तो लूंगा। आप सैलरी नहीं लोगे तब भी 24 घंटे काम करोगे, मैं सैलरी लेके भी 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगा। आप बीमार नहीं पड़ोगे, मैं बीमार पड़ूंगा। मेरे को कभी छुट्टी जाना होगा, कभी डेट पे जाना होगा, कभी कहीं जाना होगा, मूड खराब होगा, कहीं नहीं जाना, आप समझ रहे हो, त्योहार होंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन रोबोट का कुछ नहीं होगा। सर सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है कंपनी की आज के डेट में, सर आपको पता है, ह्यूमन वर्कफोर्स 70% जो है वो लोगों को सैलरी देने में जा रहा है। अगर वही हम एलिमिनेट कर दे तो सीधा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। आज एक चीज और बताता हूँ सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जो मैंने किया है, हर जगह बोल रहे हैं कि स्लो डाउन है, बट कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि जो दिखा रहा है कि स्लो डाउन है। पिछले साल से कारें ज्यादा बिकी है, पिछले साल से बाइकें ज्यादा बिकी है। सर देखो इंडस्ट्री बड़ी समझदार हो गई है। आपको 2011 का या 12 का मैं जब एमबीए कर रहा था, एक इंसिडेंस मेरे को याद है कि मारुति कंपनी के अंदर जब लोगों को ले ऑफ किया जा रहा था तो जो इंसान बताने गया ना कि कल से जॉब पे मत आना, उसी को जिंदा जला दिया था। अच्छा, ये इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से फैक्ट्री का प्लांट कई दिनों तक बंद हो गया था। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी ना बड़ी समझदार हो गई है, वो है ना जानबूझ के पहले आज के डेट में क्या क्रिएट किया जाता है कंपनी के द्वारा कि स्लो डाउन है। राइट राइट, आज के डेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 15 दिन तक या पता नहीं कितने दिन तक अपने प्लांट में ऐसा कर दिया कि 100 लोग हैं, हम किसी को नहीं निकालेंगे जी, 50 लोग आएंगे 15 दिन काम करने, 50 लोग आएंगे 15 दिन काम करने, ऑटोमेटिक 50% वर्कफोर्स निकाल दी ना सर, सैलरी आधी आधी दे रहे हैं। तो कंपनी को पता है कि एक साथ 80% को नहीं निकाल सकते हम। सर ऑटोमोबाइल सेक्टर से 50,00,000 लोग हैं, 10,00,000 लोग रह जाएंगे अगले 3 साल के अंदर, 10,00,000 निकल चुके हैं, अगले 30,00,000 और निकाले जाएंगे, बट बिना बताए बिना दिखाए लोगों को ही ये क्रिएट कराया, क्योंकि कंपनी से भी डरी हुई है ना सर। एक साथ अगर आप बोल दोगे कि कल से 10,000 लोग हैं, 8,000 मत आना, वो आग लगा देंगे कंपनी के अंदर। तो इस तरीके की चीजें की जाती है, बट यहां से सीख क्या सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लोगों को जॉब से निकाला जाएगा, और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर लोगों को जॉब से निकाला जाएगा तो वो कहां जाएंगे सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये खत्म कर रही है, और डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा प्रोफेशन है सर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री अगर हम ले लेते हैं जिसका टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती सर, डायरेक्ट सेलिंग है, इंसानों का काम है, इंसान करते आए हैं, इंसान आज भी कर रहे हैं और आगे भी इंसान करेंगे, यहाँ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई अभी इंसान हट गए और रोबोट इसको डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो सर डायरेक्ट सेलिंग से बेहतरीन प्रोफेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं हो सकता। फिर आ जाते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। सर आज की डेट में मैं अभी आया यहाँ पे, कैब बुक की मैंने, कार बुक की मैंने, कैसे की ओला से, मैं बस कैसे बुक करता हूँ रेड बस से, मैं टिकट ट्रेन कैसे बुक करता हूँ IRCTC से, मैं प्लेन कैसे बुक करता हूँ मेक माई ट्रिप से, मैं हर चीज कैसे बुक कर रहा हूँ ऐप के थ्रू, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट ही नहीं। और हम पता क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि लोगों के लिए जॉब नहीं क्रिएट कर रही गवर्नमेंट, कहां से कर देगी गवर्नमेंट ने थोड़ा लोगों की जॉब खाई है, हमने खाई है। अभी गवर्नमेंट मेरे ऊपर बंदूक लगा देगी, तू कल से ट्रेवल एजेंट से टिकट कराएगा ट्रेन के, मैं नहीं कराऊंगा, मैं पागल हूं वहां पे जाके 2 घंटे खड़ाऊंगा, नहीं होगा ना सर। तो लोगों की जॉब गवर्नमेंट ने थोड़ा खत्म की है, लोगों की जॉब हमने खत्म की है, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी ने वो एक एक वो दे दिया, एक तरीके से हमारे को सपोर्ट कर दिया, हमारे आलसीपने को सपोर्ट कर दिया, और दूसरी चीज हमारे लिए बड़ा वो हो गया ना सर, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं रहा। राइट राइट। तो आपको पता है सर सर्विस सेक्टर में जो करोड़ों लोग काम करते हैं आज क्या कर रहे हैं, वो जो लोग पहले STD PCO चलाते थे वो बेचारे बाद में STD PCO बंद हुए करोड़ों, तो वो लाखों कुछ जॉब बची वो मोबाइल रिचार्ज करने लग गए, फिर पेटीएम आ गया उनकी भी जॉब खा गया। तो खत्म कर रहे हैं सर हर सेक्टर को, सर्विस सेक्टर के अंदर खत्म कर रहे हैं। हम ये माने कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसकी वजह से जहां पे लोग फ्री हो रहे हैं
वो डायरेक्ट सेलिंग में आके अच्छा भविष्य बना सकते हैं? सर मजबूरी है उनकी, और कोई प्रोफेशन नहीं है सर, दो ही प्रोफेशन है, वो दो प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग में जॉब नहीं बचेंगे आने वाले टाइम में, सर्विस सेक्टर में बचेंगी बट 90% खत्म हो जाएंगी। सेम मैन्युफैक्चरिंग में होगा, सेम सर्विस सेक्टर में हो चुका है, हो रहा है। फिर इसका चलो मैं आपको ना दो सेक्टर और एक बार डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको आंसर मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की सर मैं एक बात करता हूं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी फनी सिचुएशन हुई है। 150 साल पहले चले जाएं, आज से 150 साल पहले सर, 150 साल पहले जैसे कि ये टेबल है पूरा का पूरा, इतनी ही जमीन अमेरिका में भी होती थी एक इंसान के पास, और इतनी ही जमीन यूएसए में भी होती, मतलब इंडिया में भी होती थी। राइट, $1 1 रुपए के बराबर था, याद होगा हमको। राइट, इतनी ही जमीन, इतने ही रिसोर्स इंडियन के पास भी है, इतने ही रिसोर्स एक अमेरिकन के पास भी है। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन खेती कैसे होती है, हाथों से। अब हाथों से खेती हो रही है, बैल से खेती हो रही है, तो क्या कर रहे हैं हमारे पड़पड़ दादा जो थे, वो पूरे साल लगे हुए बेचारे इतनी जमीन पे खेती कर पा रहे हैं, और इतनी सारी जमीन उनकी खराब हो जा रही है। और आपने देखा होगा सर, 30-40 साल पहले एक दारू की बोतल देके खेत नाम कर देते थे लोग, कोई कीमत नहीं थी सर, नहीं थी, सही कह रहे हैं, जमीन की कोई कीमत नहीं थी। अब पड़पड़ दादा जो हमारे थे उनको टेंशन कि भाई पूरे साल लगा रहता हूँ, इतनी जमीन पे खेती कर पाता हूँ, बाकी सारी की सारी जमीन तो मेरे यूज में आई नहीं रही। सेम चीज अमेरिका में भी थी, वहां के भी पड़ जो दादा थे वो भी टेंशन में कि यार पूरी नहीं आ रही। बट हमारे दादा ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला, नहीं हो पा रहा ना, जितने हाथ उतना बढ़िया, × 10 × 6। उन्होंने 10 बच्चे किए, उन्होंने 6 बच्चे करे। अच्छा। ये अब कितने हो गए, 100 बच्चे हो गए, अब ये पूरी जमीन पे बिखरे हुए हैं, पॉपुलेशन पूरी जमीन पे बिखरी हुई है, अब पूरी की पूरी एरिया को ना लोग कवर कर सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन होगी हमारी। बट अमेरिका वाले जो पड़ दादा थे उन्होंने बोला ये तो बड़ी टेंशन वाली चीज है, बच्चे इतने करने उनको संभालना ये ज्यादा टेंशन है। उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर बना दिया। अब ट्रैक्टर की जब उन्होंने इन्वेंशन की, आपको पता बाहर तो जल्दी आ गया था, बाहर तो 100 साल पहले आ गया था, इंडिया में आया ना अभी 30-35 साल पहले। अब बाहर जब 100 साल पहले, अब उस देखो उसका फायदा क्या हुआ, उन्होंने टेक्नोलॉजी में दिमाग लगाया तो रिसोर्स जितने थे नेक्स्ट जनरेशन को उतने ही पास हो गए, हर किसी के पास एक्सेस में रहा। हम क्या बोलते हैं कनाडा में यूएस में ना लोगों के पास ज्यादा रिसोर्स है, नहीं, हमारे पास भी उतने थे, हमने ही उसको एक्सप्लोइट किया, क्योंकि हमने रिसोर्स के पीछे टेक्नोलॉजी के पीछे ना भाग के हमने पॉपुलेशन के पीछे भागे, जितने हाथ दिमाग नहीं लगाया हम लोगों ने। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है ना सर टेक्नोलॉजी के साथ, कि एक जगह पे डेवलप होती है दूसरी जगह पहुंची जाती है, वहां 100 साल पहले आई थी हमारे यहाँ 30-35 साल पहले आ गई। अब इसका देखो सर, वहां 100 साल पहले आई हमारे यहाँ 30-35 साल पहले आ गई, लेकिन आ तो गई, आते ही क्या हुआ 90% लोगों की जरूरत खत्म हो गई, क्योंकि अब वापस क्या हो गया कि वो 100 से 100 हो गए थे, अब वापस 1 की जरूरत है या मैक्सिमम 10 की जरूरत है ट्रैक्टर आते ही। अब 90% लोग 90% टाइम फ्री बैठे हैं। अगर मैं अपने गाँव की बात करूँ सर, भिवानी के पास, भिवानी खेड़ा के पास मेरा गाँव है, नाम नहीं बताऊंगा, लोग बोलेंगे हमें फ्री बोल रहा है, 90% लोग 90% टाइम फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं उनके पास, ना कोई जनरेट हो सकता, बट उनको खाना भी खाना है, उनको सब कुछ सारे रिसोर्स चाहिए गवर्नमेंट से। तो सर इन लोगों के लिए कोई जॉब क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम क्या है कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी बचा ले हम जॉब। आप देख रहे हो बीएसएनएल में क्या हो रहा है, एमटीएनएल में क्या हो रहा है, लोगों की जॉब से निकाला, जिनकी लगी है उनको तो हम बचा नहीं पा रहे, नए लोगों के लिए कहां से जॉब क्रिएट करेंगे। आप मोदी जी सपोर्टर तो नहीं है, मोदी जी को डिफेंस कर रहे हैं आपकी? नहीं सर, डिफेंस की मोदी जी ने जॉब नहीं खाई है, टेक्नोलॉजी ने खाई है सर। एक्चुअली रियलिटी तो यही है कि टेक्नोलॉजी ने खाई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। बट प्रैक्टिकली अगर हम आंखें खोल के देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है सर। सर एक डाटा है कि आज हमारे देश की 90% पॉपुलेशन बढ़ जाए ना तो हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 2 टाइम बढ़ जाएगी। बट 90% किसको मार दें, किसको मार दें, नहीं मार सकते ना, ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 90% लोगों के लिए तो कोई काम ही नहीं है, ना होना है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है सर। 3% से कम लोग हैं जो आईटीआर भर रहे हैं, तो कितने लोगों का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब खत्म हो रही है, सर्विस में जॉब खत्म हो रही है, एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं रही अब 90% लोगों की। और लास्ट हमारा डिफेंस सेक्टर आया था, डिफेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डिफेंस से लोगों को निकाला जाएगा, लोगों ने बड़ा बोला कभी नहीं निकाला जाएगा, डिफेंस की तो सरकारी जॉब होती है सर। उसके 20-22 दिन के बाद एक आर्टिकल आ गया था 1,35,000 लोगों को निकालेंगे। प्रैक्टिकल यही है सर, आपको पता आज हमारे यहाँ की आर्मी को अगर 80% हम खत्म कम कर दें, 80% अगर हमारी आर्मी निकाल दें हम, तो हमारे पास इतना पैसा बच जाएगा कि हमारी 20% आर्मी को हम वो रिसोर्सेज दे सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे सुपर मतलब एक तरीके से मतलब आर्मी बन जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा बेहतरीन एडवांस लेवल के उनके पास वेपन्स होंगे। बट ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि 80 को निकालेंगे तो जिन्होंने वहां बंदूक कर रखी वो यहां कर लेंगे कैसे निकाले, तो हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे 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 करके निकाल रहे हैं। आर्मी ने बोला 1,35,000 को निकाल रहे हैं, धीरे धीरे करके उनको निकालना पड़ेगा, 80% लोगों को आर्मी से भी निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि इंसान है ना मर जाता है। और ये सारी की सारी जो सारी के सारे जो क्षेत्र हैं ये डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आ सकते हैं, आना ही पड़ेगा, कोई और सेक्टर नहीं ना, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर और ये आपका डिफेंस या कोई भी आप सेक्टर ले लो, हर जगह टेक्नोलॉजी लोगों को निकाल रही है। इकलौता ऐसा सेक्टर है जो बाहें फैला के खड़ा है, किसी भी सेक्टर के हो आप, ना आपकी पढ़ाई लिखाई से मतलब, अनपढ़ भी आ सकता है, पढ़ा लिखा भी आ सकता है, लेडीज भी आ सकती है, जेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं, हर सेक्टर को ये बाहें फैला के खड़ा है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मतलब डायरेक्ट सेलर्स
आज का इंटरव्यू देख के बड़े एक्साइटेड हो जाएं कि हमारे पास में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। सर बहुत ही ज्यादा स्कोप है, डायरेक्ट सेलिंग ही मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि वो बच्चा है जो आने वाले टाइम में इस पूरे के पूरे देश का भार संभालेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मेरा कंसर्न भी हो जाता है, क्यों मैं सोच चैनल पे हम ट्राई करते हैं, हमारा पूरा का पूरा रहता है मेन चीज कि एजुकेट करें, और क्यों हमें मतलब कंपनीज को भी एक्सपोज करना पड़ता है, क्योंकि सर हमारा यूथ जा रहा है, सर हमारा देश नेशन हमारा बिल्ड हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। हम इस 90% जो नेशन बिल्डिंग के लिए जो यूथ जा रहा है, इसको हम गलत डायरेक्शन में कैसे जाने दें सर? कैसे हम अपनी आंखें बंद कर ले, कैसे हम ना बोले? तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर डायरेक्ट सेलर को कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री जो उन्होंने चूज की है वो ऐसे टाइम पे चूज की है कि उनका जो फ्यूचर है वो 100% प्रोटेक्टेड है, 100% सेफ है। हर किसी को, आज आप लोग चॉइस के साथ आए हो, जो नहीं आ रहे उनको मजबूरी में आना पड़ेगा, बट आना हर किसी को पड़ेगा सर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और एजुकेट होकर करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। आपने बहुत विस्तार से बताया सर, और ये जो लॉजिक्स आपने दिए इसको कोई झुठला नहीं सकता, बहुत डिटेल आपने जानकारी दी, और इसी प्रकार से आप एजुकेट करते रहिए अपने चैनल के माध्यम से। आज आपने समय निकाला सर, हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।